और हम हैं अभी सोहिला में। ये है सोहिला बीपीसीएल और सोहिला बॉर्डर जो मतलब चेक पोस्ट होता था यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। तो रात को हम यहाँ आए, आप लोग देखे संबलपुर से हम चले शाम में मतलब रात 9 बजे, और यहाँ आते आते 12 साढ़े 12 बज गया और रात को नींद आने लगा। गर्म का दिन में इसी तरीके से होता है। हमारा चाय हो गया, चाय पी लिए, अब चलते हैं गाड़ी यहाँ से लेके और धीरे धीरे निकलते हैं। अब एक ही बार चलेंगे तो भोला खान पहले छत्तीसगढ़ का बॉर्डर उडर पास करवाते हैं। इस बार महीने का शुरुआत है, मैकेनिकल भी कराना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और हम हैं संबलपुर आरा भोजपुर होटल पड़िया बहाल। इस जगह का नाम है पड़िया बहाल बोलते हैं और ये हमारा गांव का होटल है और यहाँ मैं सुबह 10 बजे से हूँ। और दोस्तों 2 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए तो हमारा जो माइक था बोया कंपनी का माइक था, माइक का रिसीवर खराब हो गया था। मतलब ये माइक जो होता है वो काम कर रहा है लेकिन यहाँ रिसीवर लगता है जो कि साउंड को वहाँ कैप्चर करता है, वो रिसीवर खराब हो गया। उसके वजह से 2 दिन वीडियो भी, एक दिन हम तो ध्यान ही नहीं दिया, दिन भर वीडियो बनाते गया और वीडियो खराब हो गया। तो चलिए अब क्या करें, आज ये एक ठो अल्टरनेटिव नए मतलब ये नॉर्मली एक मोबाइल ये मोबाइल दुकान से जाके माइक लिया, ये 150 रुपये में मिला, तो इससे अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस टाइप का आवाज़ नहीं है, आवाज़ इसका थोड़ा ठीक लेकिन मोटा मोटी ठीक ही है काम चलाने लायक। तो चलते हैं अभी। अब हमारा माल है नागपुर का और लखन भी साथ में नहीं आया है। लखन का वाइफ का थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा था तो वो बोला कि मैं रुक जाता हूँ, मेरे को 2-3 दिन का काम है। तो हम बोला ठीक है, नागपुर का माल है, मैं चल जाता हूँ, टिप करके आता हूँ, तुम अपना दिखा लो, मेडिकल में जाँच वाँच कराना था, तो उसको छोड़ दिए। हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, खड़गपुर से गाड़ी लेके निकले रात को वो लखन को छोड़ के, तो गाड़ी रात को ब्रेक डाउन हो गया। कल रात में 10 से 11 बज गया काम कराते कराते, फिर चले तो दिन में तो गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी रात में ही चल रहा है आजकल ज़्यादातर, क्यों गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर। तो अभी चल के सुबह यहाँ आया 10 बजे, अब चलते हैं यहाँ से रात भर चला के रायपुर पार कर जाते हैं। पार्टी का भी फ़ोन आया था नागपुर से, कल अगर 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे तो शायद गाड़ी भी खाली हो जाएगा, वो बोल रहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और मैं नहा लेता हूँ यहाँ पर, पहले नहा के और फिर यहाँ से निकलेंगे। आइए हमारे गांव के वो हैं वो जो अंकल लगेंगे, छोटा अंकल आई है पप्पू जी, और उधर एक आदमी, सब हमारे गांव के लोग हैं। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी है, ये टेलर गाड़ी WB17 बंगाल की ही गाड़ी है और बहुत सारी गाड़ी है। तो चलिए नहा धोवा के यहाँ से अब निकलते हैं। भाई फ्रेंड्स, तो रात के 8 बज रहे हैं और हमारा नहाना धोना हो गया, मस्त नहा धोवा लिया, और अभी होटल में करेंट भी चला गया है, लाइट नहीं है, करेंट कट गया है। तो अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ा हल्का कुछ खाना वाना खा लेते हैं, जैसे कि मलाई रोटी खा लेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे अब। और अभी कंटिन्यू गाड़ी चलाना पड़ेगा पूरी रात, अगर रायपुर पार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कल देखते हैं पार हो जाएगा, रात भर चलाएंगे तो पार हो जाएगा। यहाँ से रायपुर 300 किलोमीटर होता है और रोड भी बढ़िया रहता है, मतलब इधर जो रोड है पूरा 4 लाइन है। तो अब चलते हैं होटल में कुछ बोल के खा लेते हैं। तो हमारा खाना आ गया, हम मलाई रोटी बोले थे और ये है मलाई रोटी, देखिए, और इसमें पूरा मलाई ये डाला गया है तो थोड़ा मलाई कम है इसमें, और उधर वो चोखा है। अब मलाई के साथ इसको मिला देंगे रोटी को और खाते हैं, बढ़िया लगता है नाश्ते में। चीनी डाला गया है, बढ़िया लग रहा है। तो खाते हैं, खा कर और निकलते हैं हम लोग यहाँ से, ये है चोखा। दोस्तों अभी हम हैं ये इलेक्ट्रिक दुकान है, यहाँ सेल्फ डायनेमो का ये मिस्त्री है। तो हमारे गाड़ी में बल्ब कट गया था, चारों का चारों बल्ब कट गया था, सिर्फ एक मतलब 4 बल्ब में 3 बल्ब कट गया था, सिर्फ एक बल्ब रेडी में था, तो 2 को बल्ब लगवाए, अब 3 वो हो गया मिला जुला के। तो चलते हैं यहाँ से, काम हो गया है और 500 रुपये का मैंने लाइट लग गया है, तो बल्ब लगा दिए हैं 2 ठो है, तो चलते हैं यहाँ से, अब हम निकलेंगे। हम अभी चलने के लिए तैयार है, गाड़ी स्टार्ट करके प्रेशर बना रहे हैं, तो पार्किंग लाइट जला दिए और थोड़ा देखते हैं आगे, होटल में गाड़ी ही गाड़ी है तो शीशा गंदा है, थोड़ा पोछ लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए, और आज कंटिन्यू मतलब नाइट में चलना होगा तो आज नाइट में ही ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आ गया हूँ दुकान में और यहाँ एक तो माइक लिया हूँ, और देखिए माइक अभी लगा के मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप देखते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है, इसका साउंड कैसा है। हमारा माइक ले लिए है, और ये है भैया का दुकान है, मोबाइल दुकान। और क्या नाम है भैया आपका मोबाइल दुकान का? विवो।
एक बार बोल दीजिए यार, श्री मोबाइल। तो चलिए, ये पड़िया बहाल में है और गाड़ी हमारी जो है उस पार, देखिए रोड के ऊपर खड़ी है। और ये है इनका इंटरनेट, श्री मोबाइल। तो चलते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी बहुत लेट हो गया है, निकलते हैं। चलिए अब क्या करें, और लास्ट में बुक करेंगे एक बोया का। बोया का रेट भी ज़्यादा है, इस बार गिरनारों का लेंगे। गिरनारों का कम पैसे में ही साउंड बढ़िया आ रहा है। तो चलते हैं, गाड़ी रोड पे है। अभी हम संबलपुर में है। संबलपुर पार करके ये BPCL पेट्रोल पंप है, और मेरे हाथ में ये चलान है। तो ये चलान जमा देना है, मतलब जो गाड़ी खार छुकड़ा से भर के गई थी, खड़गपुर का माल वेदांता से भर के गई थी, तो वही चलान यहाँ पे जमा देना है। मतलब ये पेट्रोल पंप में वो ट्रांसपोर्टर को यहाँ खाता चलता है उसका, मतलब वो यहीं पे डीजल दिलवाता है, गाड़ी लोड होती है उसके अकाउंट से, तो यहीं पर दे देंगे, उसके आदमी आके लेके चला जाएगा। तो दो चलान है, मतलब दो गाड़ी का और एक GPS है। तो यही देने के लिए रुके हैं, थोड़ा फोन का वेट कर रहे हैं। फोन पे बात करके, इनसे बात करा के जमा दे के हम भी निकलेंगे। और गाड़ी हमारी उस साइड है रोड पे, वो देखिए गाड़ी रोड के किनारे है, थोड़ा सिक्योर नहीं है। जल्दी से बात करके देख के यहाँ से निकलते हैं, आगे चल के अब उड़ीसा पार करके छत्तीसगढ़ घुस के ही रुकेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलान जमा कर दिए, मतलब दे दिए, फोन में तो बात नहीं हुआ, वापस कब, अब फोन नहीं किया, दो बार उसको कर लिया, उठाया नहीं। अगर वापस करेगा तो बता देंगे, नहीं तो सुबह फिर 10:30 बजे फोन करके बता देना होगा कि भाई हम चलान वहाँ जमा करके आ गए हैं फॉर्म में। तो वो लोग का आदमी इधर रहता है सब, संबलपुर झाड़ छुकड़ा पास में ही है, वो आके लेके चला जाता है। चलिए चलते हैं, और बैलेंस भी रखा है अच्छा ऐसा खासा, मतलब 10,000 समथिंग बैलेंस है। तो ये चलान जाएगा, फिर 4-5 दिन लगेगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं, थोड़ा सा होता कपड़ा मार लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और ब्लॉग का दूसरा दिन है, और हम हैं अभी सोहिला में। ये है सोहिला BPCL, और सोहिला बॉर्डर जो मतलब चेक पोस्ट होता था यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। तो रात को हम यहाँ आए, आप लोग देखे संबलपुर से हम चले शाम में, मतलब रात 9 बजे, और यहाँ आते आते 12:30 बज गया, और रात को नींद आने लगा। गर्म के दिन में इसी तरीके से होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नींद मैंने सोना नहीं होता है, और रात को जब ठंडा हवा लगता है तो नींद आने लगता है। तो फिर हम यहाँ पे सो गए, बोले सो जाओ भाई, ज़्यादा रिस्क लेके गाड़ी चलाना नहीं है। तो अभी जगे हैं, सुबह के 7 बजने वाले हैं, 7 बजा नहीं है, 6:45 हो रहे हैं। तो अब चलते हैं, ये है होटल शेरे पंजाब फैमिली ढाबा। तो यहाँ थोड़ा चाय पी लेते हैं, चाय पी कर फिर यहाँ से निकलेंगे, और सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो चाय पी लेते हैं, चाय पी कर फिर चलेंगे। ये होटल, चाय भाई, चाय दे दो। तो फ्रेंड्स, हमारा चाय आ गया, पीते हैं चाय। और चाय में भी ये गिलास में अभी बहुत कम ही होटल में मिल रहा है, सिर्फ मेरे ख्याल में ज़्यादातर मतलब जहाँ पे पंजाबी होटल है वहीं पे ये गिलास में चाय मिल रहा है, नहीं तो लोग आज गिलास पहन करके डिस्पोजल यूज कर रहे हैं। गिलास में चाय पीने से थोड़ा बढ़िया लगता है, पीते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चाय हो गया, चाय पी लिए, अब चलते हैं गाड़ी यहाँ से लेके, और धीरे धीरे निकलते हैं। अब एक ही बार चलेंगे तो भोला खान पहले छत्तीसगढ़ का बॉर्डर वोडर पास करवाते हैं। इस बार महीने का शुरुआत है, मैकेनिकल भी कटाना पड़ेगा, केस वोस जो मैकेनिकल कटता है, मैकेनिकल 2,500 का कटता है हमारा 14 चक्का गाड़ी को। अब चलने के लिए हम तैयार है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो अब निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। गाड़ी में थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं, अब क्या है कि पुरानी गाड़ी हो गई है, प्रेशर डाउन हो जाता है, पिछले 5 घंटा से गाड़ी खड़ी है, 5-6 घंटा हो गया, तो प्रेशर डाउन हो गया है, बस प्रेशर उठ गया, अब यहाँ से निकलते हैं। और ये रहा, हमें इस से जाना होगा। तो अभी हम सोहिला बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और ये है सोहिला जो लौरा चट्टी चेक पोस्ट होता था। देखिए ये बाएं साइड में जो बिल्डिंग है, यहाँ पे कांटा होता था पहले, बहुत भीड़ लगता था इस बॉर्डर पे। अब ये सब देखिए बॉर्डर बंद हो गया, अब यहाँ पे सब चाय दुकान खुल गया है, हमारे ड्राइवर भाई लोग यहाँ नाश्ता पानी करते हैं और चाय पाई पी के निकलते हैं।
दोस्तों अभी हम चले हैं चिचोला मतलब सरायपाली बॉर्डर में छत्तीसगढ़ का, और ये है बॉर्डर का लाइन, देख लीजिए गाड़ियां सब लाइन से लगी है, सामने है बॉर्डर। तो अब चलते हैं, यहाँ से लाइन में थोड़ा और आगे जाएंगे और मैकेनिकल कटाते हैं। मैकेनिकल कटाना पड़ता है हर एक महीना, आपको हम बताएं तो 2500 रुपये का मैकेनिकल और 100 रुपये एंट्री, 2600 रुपया लगता है। तो चलते हैं कटवा के पार करके आगे। अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर अब भोला खान का होटल पर रुकेंगे, और गाड़ी का थोड़ा काम भी करवाना है। गाड़ी हमारी पता नहीं क्यों टान नहीं रही है, एकदम टान ही नहीं रही है, मैंने एकदम परेशान हो गए हैं। गाड़ी के क्लच व्लच एडजस्ट करवाएंगे, क्लच हार्ड हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है हमें लग रहा है। तो चलिए आज काम हम करवाएंगे। मैकेनिकल कटा लिए और गाड़ी पास हो गया, अब इधर से निकलते हैं। ये देखिए उड़ीसा के तरफ जाने वाली सब। तो फ्रेंड्स अभी हम छत्तीसगढ़ घुस के बॉर्डर पार करा लिए और अभी बॉर्डर पार करके ही रुके हैं। और यहाँ पे है एक ढाबा, देख लीजिए सामने ढाबा है और यहाँ गैरेज भी है, लोग काम भी करवाते हैं। तो चलिए अभी गाड़ी पास हो गया, अब यहाँ से थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय पीकर चलेंगे तो एक ही बार पिथौरा रुकेंगे, पिथौरा के बाद फिर वो जो अपना गैरेज आता है, वो अपना क्या नाम है मिस्त्री भाई का, तो वहाँ गैरेज में थोड़ा काम हम भी करवाएंगे। तो चलिए चाय पीते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।